हेलो एवरीवन, आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपने इंग्लिश क्लास में इंग्लिश रीडर का 7th चैप्टर स्मॉली एंड बंटू पढ़ेंगे. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ गर्ल, हर नेम वॉज स्मॉली, शी वॉज वेरी स्वीट. एक समय की बात है, एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी. उसका नाम क्या था, बच्ची का नाम क्या था, स्मॉली, और बहुत ही स्वीट बच्ची थी. स्मॉली अडोर्ड डॉग्स एंड वॉन्टेड अ स्मॉल पपी फॉर हर सेल्फ. गॉड प्लीज सेंड वन क्यूट लिटिल पप फॉर मी. वो डॉग से बहुत प्यार करती थी, उसे डॉग पालना बहुत पसंद था और वो विश कर रहे, और वो चाहती थी उसके पास एक छोटा सा पपी हो. तो वो भगवान से विश करती है, कैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रे करते हैं ना कि हमें ये चाहिए. कभी हम प्रे करते हैं कि हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें कुछ चाहिए होता तो हम विश करते हैं ना, गॉड प्लीज़ हमें दिला दो. तो वैसे ये बच्ची प्रे कर रही है कि मुझे ना एक छोटा सा पप्पी दिला दो. After a few days, her father brought a little brown puppy for her. Smalley, where are you? Look what I have got. कुछ ही दिन बाद उसके पापा ना उसके लिए एक गिफ्ट लेके आए, उसके लिए एक पपी लेके आए, ठीक है. और वो कहते हैं, स्मॉली देखो कहाँ हो तुम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ. स्मॉली वॉज वेरी हैप्पी, शी टाइड अ रेड रिबन अराउंड द पपीज नेक एंड नेम्ड हिज बंटू. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई उसको देख के, और उसने उसके गले में एक रिबन बांध दिया, और पपी के गले में उसके रिबन बांध दिया, और उसका नाम क्या रखा, बंटू. बंटू वॉज नॉट अ फ्रेंडली पपी, वुफ वुफ गुड़ गुड़, वो मतलब कुछ ज़्यादा फ्रेंडली पपी नहीं था, वो थोड़ा चिल्लाता था, वो थोड़ा भौंकता था ज़्यादा. बंटू क्रॉल्ड अंडर द बेड एवरी टाइम स्मॉली केम नियर हिम. बंटू 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 हमेशा मतलब ये क्रॉल करके वो बेड के नीचे चल जाता था. जनरली टाइम वो हमेशा बेड के नीचे चल जाता था, और स्मॉली हमेशा उसके पास, स्मॉली उसके पास आई और कहीं बंटू बंटू ढूंढने लगी. वन डे स्मॉली पुल्ड हिज इट्स टेल, बंटू गॉट एनॉयड. एक दिन क्या हुआ कि स्मॉली ने बंटू का पूछ तीर लिया, पूछ खींचा, और बंटू चिढ़ गया. ओके, द नेक्स्ट डे स्मॉली पुल्ड हिम आउट अगेन फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. नेक्स्ट दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर से स्मॉली ने उसका उसका पूछ फिर से तीरा, ठीक है. तो उसका पूछ तीरा तो फिर वो गुस्सा आ गया, और कहाँ तीरा, जब वो छुपा हुआ था वहाँ जाके फिर से उसका पूछ तीरी वो, तो फिर से वो गुस्सा आ गया. बंटू बाइट हर्ड स्मॉली क्राइड एंड क्राइड, बंटू उसे काट लिया और स्मॉली बहुत रोने लगी. देन हर फादर गेव वन बोन टू हर टू गिव टू द पपी. शुबक शुबक, तब उसके पापा ने उसको एक बोन दिया, एक हड्डी दिया, और बोला कि जाके इसको पपी को देख के आओ. तो स्मॉली सुबक सुबक के रो रही थी, वो बहुत बेचारी रो रही थी. गिव इट टू बंटू, उसके पापा कहें. बंटू सॉ द बोन एंड केम टू हर वैगिंग इट्स टेल. कम टेक दिस बंटू, बंटू या बंटू बोन देखा और फिर उसके 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 पास जाके, स्मॉली के पास जाके अपना दुम हिलाने लगा, अपना पूछ हिलाने लगा. तो केम कम टेक दिस बंटू, तो यानी कि फिर वो स्मॉली बोली कि आओ और इस हड्डी को लेके जाओ, इस हड्डी को लो. बोथ बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए. तो ये था चैप्टर बाबू, ठीक है. आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लो, पढ़ लो, रीड करो. इसके बाद आपको इसके हार्ड वर्ड्स के साथ साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन चले जाएंगे. ओके, थैंक यू.